सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस तरीके का फोटो एडिटिंग लाइटरूम से कैसे करें ये मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। सो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लाइटरूम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद उस पर फोटो ऐड कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट जाएंगे लाइट्स पे। लाइट्स पे जाने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को कर लेंगे 50, और हाईलाइट्स को कर लेंगे 30, शैडो को यहाँ पे कर लेंगे 36, वाइट्स को करेंगे -37, और फिर ब्लैक को करेंगे यहाँ पे -32। सो नेक्स्ट जाते हैं कलर्स पे, उसके नीचे ही ऑप्शन है। कलर्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद टेम्प को कर लेंगे यहाँ पे -7, इंट को यहाँ पे 3 करेंगे +3, वाइब्रेंस को यहाँ पे +57 करेंगे, और सैचुरेशन को 3 +3। और फिर इतना करने के बाद ऊपर ही एक मिक्स वाला ऑप्शन है, उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद रेड कलर को हम लोग कर लेंगे हुई की वैल्यू -4, और सैचुरेशन को +18, और लुमिनियंस को 56। और नेक्स्ट ऑरेंज कलर पे जाएंगे, ह्यू की वैल्यू 2 करेंगे यहाँ पे +2, सैचुरेशन की वैल्यू +20, ल्यूमिनियंस की वैल्यू 56। और नेक्स्ट वाले कलर पे जाएंगे यहाँ पे येलो कलर पे। येलो कलर पे जाने के बाद इसको फुल बढ़ा लेते हैं, ह्यू की वैल्यू, सैचुरेशन की वैल्यू और ल्यूमिनियंस की वैल्यू, तीनों की वैल्यू फुल बढ़ा के 100 पे रख लेते हैं। और नेक्स्ट ग्रीन पे जाएंगे। ग्रीन पे जाने के बाद ह्यू की वैल्यू 100, सैचुरेशन की वैल्यू भी 100, और ल्यूमिनियंस की वैल्यू यहाँ पे 92 रखेंगे। और नेक्स्ट ये लाइट ब्लू पे जाएंगे, और इसको भी ह्यू की वैल्यू +100, सैचुरेशन की वैल्यू -100, और ल्यूमिनियंस की वैल्यू 100 करेंगे। और नेक्स्ट डार्क ब्लू पे जाएंगे। जाने के बाद इसकी ह्यू की वैल्यू -26, सैचुरेशन की वैल्यू +42, ल्यूमिनियंस +59। और इतना करने के बाद डन दे देंगे, और उसके बाद एक कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन रहेगा, उस पर जाने के बाद शैडो को कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा उसमें सेंटर में टच करके थोड़ा नीचे लाएंगे। थोड़ा नीचे लेने के बाद और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, और फिर इसके ल्यूमिनियंस की वैल्यू कर लेंगे +100, और फिर ब्लेंडिंग की वैल्यू 2, सिर्फ 2 पे रखेंगे। और बैलेंस यहाँ पे 94। और नेक्स्ट हाईलाइट पे जाएंगे। हाईलाइट्स पे जाने के बाद इसका ह्यू की वैल्यू 234 करेंगे, मतलब सेंटर में टच करके थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। और फिर ग्लोबल पे जाएंगे, उस पे जाने के बाद 261 रखेंगे यहाँ पे इसको। सो डन कर देते हैं। और नीचे कलर के ऑप्शन के नीचे इफेक्ट वाला ऑप्शन है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद टेक्सचर को यहाँ पे कर लेंगे -41, और क्लियरिटी को +70। और जीएस को +11, और विग्नेट को -17। और इतना रख लेने के बाद उसके नीचे ये एक ऑप्शन है डिटेल्स वाला, उस पर जाने के बाद शार्पनिंग को कर लेंगे यहाँ पे 38, और थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे नॉइस रेडिएशन रहेगा, उसको 41 करेंगे, और थोड़ा नीचे आने के बाद कलर नॉइस रेडिएशन रहेगा, उसको 37, और फुल लास्ट में स्मूथनेस वाला ऑप्शन रहेगा, उसको फुल बढ़ा लेते हैं, 100 कर लेते हैं। सो गाइस, इतना ही। देख सकते हैं आप लोग कितना ऑसम तरीके से एडिट हुआ है ये फोटो। सो गाइस, वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखिए, बिफ़ोर ऐसा था और आफ्टर ऐसा हो गया इफेक्ट्स डालने के बाद, एडिट करने के बाद। तो यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो लाइक ज़रूर करना।